पास वो अल्कोहल टेस्ट है। आप लोग क्यों बैठे हैं, खड़े क्यों हुए बताइए मुझे, क्यों खड़े हुए हैं? आप लोगों की गलती नहीं है इसमें खड़े होके आने के लिए। कैसे नहीं रुक रही, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप अपनी जान भी खतरे में डालेंगे। तो सर यहाँ से कोई और ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। कैसी नहीं है, एक ही गाड़ी आती है पूरे दिन में? तो जो जम्मू से कहा जा रही है लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलता? एआरटीओ को बोलिए मुझे बताएगा, खतरे में अपनी जान मत डालिए। चार गाड़ियां आती हैं, आप लोग चालान तो कर दिए। चालान करने से क्या होगा? अगर हम बात करें डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन जी की, अपने काम से पहचाने जाते हैं और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और हाल ही में कुछ दिन पहले जिस तरह से आप जानते हैं कि उनकी ट्रांसफर जो है डोडा से रियासी की तरफ हुई है, और जिस तरह से डोडा के अंदर वो काम करते हुए नजर आते थे, वैसे हम देख रहे हैं कि रियासी के अंदर भी वो काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाके विजिट कर रहे हैं और साथ ही साथ सरप्राइज विजिट वो कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो सामने निकल के आई थी, जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि एक हॉस्पिटल के अंदर गए थे रात के टाइम, देखा जा रहा था कि क्या सारी फैसिलिटीज लोगों को वहां पे मिल रही थी, और पेशेंट से भी बातचीत कर रहे थे, उनसे भी जानकारी ले रहे थे, लोगों से सुझाव ले रहे थे आने वाले टाइम में कौन कौन से स्टेप्स हमने वहां पे उठाने हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जगह पे ब्लैक टॉपिंग हो रही थी रियासी के अंदर, वहां पे भी देखा था क्या सही तरीके से वहां पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है। ये सारी चीजें डिप्टी कमिश्नर रियासी देख रहे थे। आज एक वीडियो काफी तेजी से उनका वायरल हो रहा है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खुद गाड़ियों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, गाड़ियों को देखा जा रहा है, एक बस के अंदर खुद चले गए थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, उनको जानकारी दे रहे थे, अगर आप इस गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठते हैं ये हादसे का शिकार भी हो सकती है और उस हादसे में कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे इस तरह के नाके उनने लगाए, वहाँ पे देखा गया। और जिस तरह से आप जानते हैं कि चिनाब खिता एक्सीडेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है। अगर हम कल की बात करें तो कल का दिन जो है तारीख में लिखा जाएगा 39 लोगों की अभी तक जान चली गई है। किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ एक बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हुई। उम्मीद करेंगे कि इस तरह का इंसिडेंट फिर से खास करके चनाब खिते के अंदर पेश ना आए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम।